नमस्कार दोस्तों, आज हम खेल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, शारीरिक क्रियाओं पर आधारित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं, यह कथन किसका है? तो आंसर है इसका कैसिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच क्लार्क द्वारा शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? सही आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवाद का नारा है, उसका नारा है अनपढ़ रहने से अच्छा है जन्म ना हो, और यथार्थवाद के जनक आपको पता होंगे अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंशानुक्रम को वातावरण की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली किसने माना है? तो ये माना है रूसो, गल्टन, गोगार्डन, सभी ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं? तो विचार, उद्देश्य, लड़कर, कोई नहीं। तो उद्देश्य के द्वारा हम, विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका है उद्देश्य किसी ध्येय को प्राप्त करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है? वाटसन, आर्चिबाल्ट मैकलेरिन, जेम्स रॉस, मर्फी। तो इसका आंसर होगा आर्चिबाल्ट मैकलेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? पहला ऑप्शन है कूलमैन ग्रिफिथ, दूसरा है विलहेम वुंड, तीसरा पियाजे, चौथा है जेम्स पेरिन। तो इसका सही आंसर होगा कूलमैन ग्रिफिथ। नेक्स्ट है हमारा, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है जो अपने परिणामों के आधार पर चयनित व संचालित की जाती हैं, यह कथन किसका है? तो इसमें आंसर दिए हैं ऑर्बिट यूथर, जे एफ विलियम, कैसिडी एंड स्किनर। तो इसका सही आंसर होगा जे एफ विलियम साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्धन और विकास की प्रक्रिया सबसे ज्यादा किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो इसका आंसर होगा नेचर नर्चर, या नेचर नर्चर द्वारा, या वातावरण द्वारा। तो इसका आंसर है दोनों, नेचर एंड नर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम तथा वातावरण को नेचर तथा नर्चर की संज्ञा किसने दी? तो रूसो, गाल्टन, अरस्तु या ब्राउनवेल। तो उसका सही आंसर होगा गाल्टन साहब ने वंशानुक्रम और वातावरण को नेचर और नर्चर की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर्शवाद का दूसरा नाम क्या है? निष्पक्षतावाद, अस्तित्ववाद, आध्यात्मवाद या कोई नहीं। तो इसको हम आदर्शवाद को आध्यात्मवाद भी कहते हैं। आदर्शवाद के जनक कौन हैं? प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है हमारे पास मैकडूगल, कैटेल, बियंजा या गेट्स। तो इसका आंसर होगा मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच सी बक ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं जो कि भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं? तो इन्होंने 4 उद्देश्य बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच सी बक किस खेल के खिलाड़ी थे? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, चेस। आपको पता हो तो बताना इस क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट है, टर्न वेरियन आंदोलन किसने शुरू किया? पहला है लुडविग जोन, गट्समर्स, अरस्तु या प्लेटो। तो इसका सही आंसर होगा लुडविग जोन। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो पसंद कर लेना और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद। नमस्कार।